85 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा नदी बह रही है। इसी के साथ बता दें 3 लाख क्यूसेक पानी बैराजों से छोड़ा गया है, जिसकी वजह से घाघरा नदी का जलस्तर अब बढ़ चुका है। गोंडा के 22 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं और इसी की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ बता दें कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। विपिन सिंह हमारे संवाददाता गोंडा से फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, गोंडा में कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं क्योंकि बैराजों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल किस तरह के हालात वहां पर, क्या पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि गोंडा जिले में तरबगंज तहसील में घाघरा नदी ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। करीब 22 गांव जो कि बाढ़ की चपेट में है, और वहीं आपको बता दें कि करीब 89 सेंटीमीटर खतरे के निशान से घाघरा ऊपर बह रही है। लेकिन वहीं आपदा राहत और जिला प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ से जो पीड़ित है उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नाव लगा दी गई है। वहीं कुछ ग्रामीण जो कि ट्रैक्टर से अपने घरों से पलायन कर चुके हैं, ट्रैक्टर से बैठकर बाहर निकल रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा के तरबगंज और कर्नलगंज जो दो तहसील है जिसमें बाढ़ से काफी क्षेत्र प्रभावित रहते हैं, ऐसे में करीब 22 से 25 गाँव जो कि बाढ़ से प्रभावित है और उनको निकालने के लिए प्रशासन 2 दिन पहले ही अलर्ट कर चुका था कि आप लोग पानी ज्यादा बैराजों से छोड़ा गया है तो आप लोग अपने ऊंचे स्थान पर पहुंच जाइए। आपको बता दें करीब 3 लाख सेंटीमीटर करीब क्यूसेक पानी जो कि छोड़ा गया है। जी विपिन, जो बाढ़ चौकियां यहाँ पर स्थापित की गई है, इनकी क्या तैयारियां हैं बाढ़ के हालात को लेकर, शरणार्थियों के लिए और लोगों की विस्थापना को लेकर? जी, बताना चाहेंगे कि एडीएम जो कि लगातार दोनों तहसीलों में बने हुए हैं और अधिकारियों के साथ बाढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको बाढ़ राहत किट भी दी जा रही है और जो बाढ़ से प्रभावित गांव है करीब 22 से 25, उन गांवों में मेडिकल की व्यवस्थाएं कराई गई हैं और लगातार वहां पे अधिकारी पहुंच रहे हैं और उनको वहां से निकालने की व्यवस्था की जा रही है। नाय के द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में घाघरा नदी करीब 89 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है तो कहीं ना कहीं खतरा तो अभी बना है। लेकिन प्रशासन चूंकि पूरी तरह से मुस्तैद है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे किस तरह से लोग ट्रैक्टर से निकल रहे हैं। लेकिन तरबगंज की तहसील जो है बहादुरपुर, परास, जबरनगर और गोकुला, दत्तनगर, साखीपुर, ये जो गांव है ये काफी बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे में जिला प्रशासन तो पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन चूंकि अब आज से कुछ ये जो डिस्चार्ज पानी हो रहा है वो कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन में राहत की बात देखी जा सकती है। जी विपिन, लेकिन अभी गोंडा में ऐसे कितने गाँव है जो की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं? घाघरा नदी का जलस्तर चूंकि बढ़ गया है तो इसकी वजह से कितने गाँव जो ग्रसित है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे गोंडा के तरबगंज और कर्नलगंज दो ऐसी तहसील है जिसमें करीब 25 गांव बाढ़ से प्रभावित है और अगर बात करें आबादी की तो करीब 25,000 आबादी जो कि प्रभावित बाढ़ से प्रभावित है और वहीं अगर फसलों का आकलन करें तो करीब हजारों एकड़ फसलें जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। जैसे धान जो कि इस समय किसानों का धान जो निगल रहा था जिसमें बाली आ रही थी वो पूरी तरह से बूढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं जिला प्रशासन तब पर नजर बनाए हुए है, बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आज जो कि बैराजों से पानी जो छोड़ा गया है वो करीब 3 लाख से कुछ कम छोड़ा गया है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में कहीं ना कहीं पानी का स्तर कम होगा तो ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।